ये जी हमारा पार ब्लू का जोड़ा है, अल्बाइनो रेड आइस, ये इसने तो ब्लैक आइस दे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रफी व्लॉग 206 में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले दोस्त खैर वाकियत से होंगे जहाँ पे भी होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने घर में काम कारोबार में बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, एक पार ब्लू का पेयर है, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। अब देखो ये जो पेयर है ना, इसके अंदर मैंने एक चीक फोस्टर कर दिया, ठीक है, जो ऊपर बैठा हुआ है। अब वजह फोस्टर करने की आपको बताऊं क्या बनी है मेरी, कि ये बच्चे नहीं पाल रहा, इसकी गुज्जी पता नहीं क्यों इस तरह से होया है। ये देखो ये बच्चा बेचारा एक्सपायर हुआ है भाई, यार था ब्लैक आइस, एक्सपायर हुआ है भाई। अब नसीब नसीब की बात है, इसको लेके जाता हूँ बाहर, इसको बाहर करें, कोई है तो नहीं, क्योंकि कोई देखेगा तो कहेगा ऊपर कर दिए, ऊपर चला गया बच्चा। ये होता है काम वगैरह, नसीब की बातें हैं। इसी तरह से अभी आपको दिखाऊं, ये ब्लू पास्टल है ना, इसके नीचे मैंने एक पेयर रख दिया, ये देखो ये रहा पेयर पीस, वो गए बैठा है। ये क्रिमिनो है मेरा माशाल्लाह से, और ये एक ब्लैक आइज है, उसके नीचे रख दिया ताकि आसानी से सुकून से खाएं पिएं अपने इंजॉय करें। इसी तरह से इसको बंद करता हूँ, इसके भी सफाई भी करनी है। ये हमारे एक अल्बाइनो ब्लैक आइज है वह पास्टल ब्लू में से, ठीक है, और इसने अंडे भी दे रखे हैं, कितने 5 अंडे माशाल्लाह से, 5 अंडे दे रखे हैं। और जो मशीन में चूजे निकले थे यार हमारे 35-40 चूजा निकला था इस मशीन के अंदर, लेकिन अब बचा बहुत कम है, ये चूजे बच गए हमारे। ये देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आके रुकी, ये चूजे अब हमारे बचे पड़े हैं, ये सारे के सारे देख रहे हैं। ये तकरीबन आई थिंक 20 होंगे। ये पेयर नया लेके आया हूँ, पार ब्लू सिप्लेटिनो और पास्टर ब्लू सिप्लेटिनो का पेयर, मैंने कहा ये भी लगाते हैं। अब समझ ही नहीं आ रही कि बच्चे मर किस वजह से रहे हैं। दूसरी बात ये, अब इस जोड़े के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, लगा हुआ है ब्लड इसके ऊपर, अंदर क्या जा रही है ऐसी चीज़ कि जो इसने देखो बच्चे को जख्मी कर रखा है। इसको उठा के देखूं, अच्छा भाई तुझे खुराक खिला रखी है माँ बाप ने कि नहीं, खुराक तो इसे खिला रखी है, लेकिन यहाँ से देखो ये जख्मी कर रखा है बच्चे को ना, समझ नहीं आ रही ये किस वजह से जख्मी हुआ है। अच्छा प्लकिंग नहीं है, अगर प्लकिंग होती ना तो प्लकिंग के साइड इफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं, ये प्लकिंग नहीं है भाई, ये कुछ और माजरा है। इसको रोक देता हूँ यहीं पे, छोड़ दे, ये छोड़ ही नहीं रहा, ओ छोड़ दे भाई छोड़ दे, जा जा उधर जा तू, ये छोड़ ही नहीं रहा था। अभी इसका रीज़न देखता हूँ कि क्या रीज़न हो सकती है। बाकी इन पेयर्स ने इसने का फिर ये पेयर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, माशाल्लाह बाकी सब ने दे दिए बच्चे, ओ सॉरी अंडे दे रखे हैं। वो पेयर हमारे एक रुखसत हो गया, इधर से ये पेयर रुखसत हो गया, इधर से ये तीन पेयर रुखसत हो गए, कहानी कहाँ से कहाँ चलते चलते कहाँ आ गए। लेकिन अब ये कि मैं सस्ते जोड़ों पर काम कम कर रहा हूँ, अच्छे रख लो महंगे रख लो, 10 की जगह 2 रख लो, मतलब जो आपको 10 जोड़े बच्चे निकाल के देंगे 10,000 के, एक जोड़ा रख लो जिसका एक बच्चा 10,000 का होगा। अब माशाल्लाह से देखो अल्लाह मियाँ की करनी है, ऐसे मेरा पहले क्रिमिनो निकला एक्सपायर हो गया, अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है। चलो दोबारा देखो क्रिमिनो मिल गया मुझे, ये क्रिमिनो आया ठहरा है जो सेकंड पे बैठा हुआ है। जी दोस्तों इधर ना शिफ्ट कर दिया मैंने, अब पेयर आपको बताया, ये अभी जाता हूँ इसकी ना मैंने नेस्टिंग वगैरह भी नई कर दी है सारी की सारी। ये क्रिमिनो बैठा है, ये हमारा दूसरा पार ब्लू का बच्चा बैठा हुआ है, अभी बाहर जाके देखते हैं और क्या रूटीन वगैरह चल रही है। अभी अनकरीब ने मैंने ये सारे पिंजरे उठा के दूसरी जगह ले जाने हैं, दूसरे रूम की सेटिंग कर ली है। और सबसे मज़े की बात, बर्ड्स के लिए हमने और अपने व्यूवर्स को ताज़ी ताज़ी न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए जी वो भी लगवा लिए इंटरनेट, यहाँ पे मोडेम का कनेक्शन हो गया, आपको दिखाता हूँ। अभी रात के सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इस वजह से सारे का सारा कीचड़ हो गया, ये देखें आप सारे का सारा। वो आपको डिवाइस नज़र आ रही है, वो डिवाइस लगवाई है जी हमने मोडेम के, को क्या यहाँ पे पीटी सेल वगैरह वायर सिग्नल नहीं होते, तो इसके थ्रू हम नेट कैच करेंगे। अब यहाँ पे हमारे वाईफाई मोडेम भी चल रहा है, गाबियाँ वगैरह ना सारी इधर बैठी हुई हैं मौसम की ख़राबी की वजह से, अभी धूप आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, तो ये सिचुएशन चल रही है।
चाचा अभी तभी आएगा, इन्हें घास वगैरह पड़ा हुआ है, घास डालेगा। ये देखो सारी की सारी कीचड़ हुई हुई है नीचे, टोटली पानी जमा हुआ है। अब ये खुश होगा तो शाम को बांधेंगे इन्हें, फिर बांधा भी कहाँ जाएगा। उस कमरे में हम वायर ले गए अपने उसके कनेक्शन की, वहाँ पे ले जाके हमने मुडैम अपनी डाल दी है। अभी देखो बाहर जाने का रास्ता है, ये भी इसी तरह से सारे का सारा खराब हुआ पड़ा है।